कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनोबल की कमी है और वो मनोबल बढ़ाए रखने का काम करना है। वो दिन दूर नहीं है, मैंने भी कहा कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। मैंने अपने साथियों से कहते सुना, एक अनुरोध मुझे अपने साथियों से करना है, क्योंकि अब मैं भी कांग्रेस पार्टी के परिवार का व्यक्ति हूं। कांग्रेस के साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि कांग्रेस को कमजोर कहना बंद करें। अगर कांग्रेस कमजोर होती तो हम कांग्रेस की तरफ नहीं। भाई धर्मेश कौशल जी, मंचा सिंह, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमलेश ठाकुर जी, और इस कार्यक्रम का हालात पूरे देश में इस तरह के हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है, और ऐसे माहौल में केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को इस देश से भगाने का काम कर सकती है और देश को बचाने का काम कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के हमें भारतीय जनता पार्टी से इस देश की जनता को मुक्ति दिलानी। कितने लोगों ने सदस्य लिया आपको? बहुत सारे साथी हैं। अभी हम लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का काम किया था, बरेली से बहुत सारे साथी हैं, ऐसे करीब 150 के करीब लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 50-60 लोगों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और सारे ही बीएसपी के कद्दावर नेता हैं जो लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए और वो कांग्रेस से प्रभावित होकर उन्होंने एक कांग्रेस की ऐसी पार्टी लगी जो सबका भला चाहती है, इस उम्मीद के साथ उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कितने लोग हैं? कम से कम 50-60 लोग होंगे। ये कौन सी पार्टी छोड़ के आए हैं? ये सब हाथी मतलब बीएसपी है, बीएसपी छोड़कर सब ज्वाइन किए कांग्रेस।